नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत ने एशिया कप 2022 के सुपर चार दौर में अपनी जगह बना ली है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 40 रनों से हराते हुए अपना टिकट कटाया। बता दें कि भारत ने हांगकांग के खिलाफ मैच इन चार वजहों से जीती है, जिनमें सूर्य कुमार की विस्फोटक पारी, कोहली सूर्या की साझेदारी, पावर प्ले में विकेट और जडेजा चहल की किफायत रही है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हांगकांग ने 5 विकेट खोकर 152 रन बनाए। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से कानून मंत्री बने कार्तिक कुमार ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कार्तिक कुमार ने कल रात इस्तीफा दे दिया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट था। आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने पद की शपथ ली और लालू यादव के दबाव में उन्हें कानूनी मंत्री बनाया गया। ये था पहला विकेट। आने वाले समय में ऐसे कई और विकेट गिरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर आज केरल पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी 1 और 2 सितंबर को कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के जलावतरण के लिए कर्नाटक और केरल का दौरा करेंगे और मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाए जाने पर 250 रुपए के स्थान पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। प्रदेश में 2015 के पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपए और उसके बाद 250 रुपए कर दिए गए थे। सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल की समिति में शामिल लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। स्पाइसजेट की उड़ानों में एक के बाद एक चल रही तकनीकी खामियों की सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी कंपनी एक उड़ान को हवा से ही वापस लौटना पड़ा है। DGCA के अधिकारी के मुताबिक स्पाइसजेट B737 विमान BT-LSP परिचालन उड़ान SG8363 गुरुवार को ऑटो पायलट में खराबी के कारण एयर टर्न बैक हुआ। देश में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 9,828 ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर अब 62,748 हो गए हैं। देश में एक्टिव केस कुल मामलों का 0.14% है। रिकवरी रेट अभी 98.66% है। इसके अलावा डेली पॉजिटिविटी दर 2.98% जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.57% है। बता दें कि देश में कोरोना से अब तक कुल 4,38,45,680 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,27,911 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी को घेरने के लिए जेडीयू ने अब यूपी सरकार का सहारा लेते हुए हमला किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी पर गुरुवार को ट्वीट कर हमला बोलते हुए कहा, सुशील जी उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामों को देख ले। यूपी के मंत्री राकेश सचान को कितने साल की सजा हुई है? सजा याफ्ता होने के बाद भी मंत्री बने हैं कि नहीं? मंत्री राकेश सचान अदालत से सजा की कॉपी लेकर भाग गए। कुछ बोलने से पहले थोड़ी तो शर्मिंदगी का एहसास कीजिए। नीतीश कुमार को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, चल नीदू से सूप को जिसमें खुद 72 छेद। युवाओं को दिन में 18 घंटे काम करने की सलाह देकर सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का शिकार हुए बॉम्बे सेविंग मशीन के CEO शांतनु देशपांडे ने अब लिंक्डइन पर एक पोस्ट किया और अपनी पहली पोस्ट के लिए माफी मांगी है। उन्होंने लिखा था कि यदि आप 22 साल के हैं और कंपनी में नई नौकरी है तो आपको स्वयं को इसमें झोंक देना चाहिए। उन्होंने युवाओं को सलाह दी थी कि 4-5 साल तक दिन में 18 घंटे काम करना जारी रखो, अपने काम की पूजा करो और रोना धोना मत करो, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की है। बता दें कि 1 सितंबर को LPG के नए रेट जारी कर दिए हैं। इंडियन ऑयल ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए हैं। अब 19 के ग्राफ कमर्शियल LPG सिलेंडर दिल्ली में 91.50 रुपए, कोलकाता में 100 रुपए, मुंबई में 92.50 रुपए और चेन्नई में 96 रुपए सस्ता मिलेगा। सूरत में आप नेता पर हुए हमले को लेकर राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, गुजरात में लड़ाई बीजेपी के फर्जी गुजरात मॉडल और केजरीवाल के असली शासन मॉडल के बीच होगी। चड्ढा ने सूरत में आपके एक नेता पर कथित हमले के बाद बीजेपी को भारतीय गुंडा पार्टी करार दिया। गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ साथ छात्र संगठन NSUI से भी इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। NSUI के 36 नेताओं ने कई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध रैना और प्रदेश महासचिव मानिक शर्मा भी शामिल है।
पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस मेगा प्रोजेक्ट में पांचवे जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर विमान तैयार किए जाएंगे। तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ 6500 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के साथ विकसित करने की मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। साथ ही इसके लिए पहले ही 2500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केसीआर नीतीश जी को यह सिखाने के लिए बिहार आए थे कि बिहार को पीएफआई युक्त और हिंदू मुक्त कैसे बनाया जाए, जैसे तेलंगाना और हैदराबाद में सरतन से जुदा का कार्यक्रम चल रहा है। आमिर खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले आमिर खान ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर लोगों ने फिर माफी मांगी है। इस क्लिप में लिखा है, हम सब इंसान हैं और गलतियां हमसे ही होती है, कभी बोल से, कभी हरकतों से, कभी अनजाने में, कभी गुस्से में, कभी मजाक में, कभी नहीं बात करने से। अगर मैंने किसी भी तरह से आपका दिल दुखाया है तो मैं मन वचन काया से आपसे माफी मांगता हूँ। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती चल रही है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट एसएससी के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी बस इस बात का ध्यान रखें, कल यानी कि 2 सितंबर 2022 को फॉर्म भरने का अंतिम मौका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बुधवार 31 अगस्त को बिहार दौरे पर थे। इससे पहले 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हुए बिहार के सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम के बाद तेलंगाना के सीएम केसीए ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने बोलते हुए कहा, नीतीश बीजेपी मुक्त भारत के लिए सारे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस इतनी बुरी है, संघ में अभी कुछ लोग हैं जो भाजपा की तरह नहीं सोचते, एक दिन यह सब्र जरूर टूटेगा। मैंने समाज की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले राजनीति छोड़ देती। अगर मुझे पहले से पता होता कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी, जहां मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को इतनी झूठी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। नशा मुक्ति के कार्यक्रम में मंत्री जी शराब पीने का तरीका और फायदा गिनाने लगे। मंत्री ने यह भी कहा कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, मंदिर मस्जिद बैर कराते और मेल कराती मधुशाला, लेकिन सब में नियंत्रण होना चाहिए। शराब में मात्रा के अनुसार पानी मिलाकर पानी से वह एक निदान का काम करता है। अमेरिका में एक भारतीय मूल के डॉक्टर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यह केस भ्रष्टाचार और पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर दर्ज कराया गया है। इस डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी, रेड्डी और अडानी अन्य लोगों के साथ अमेरिका में बड़े पैमाने पर नकद ट्रांसफर कर रहे हैं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल समेत भ्रष्टाचार में शामिल है। महीने का पहला दिन यानी बैंकिंग सहित कई नियमों में बदलाव का दिन। आज से 5 प्रमुख नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं दूसरी ओर यूपी के बागपत जिले में केनरा बैंक ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बैंक प्रबंधन ने हाफ पैंट पहनकर बैंक आने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी है। भारतीय टीम ने एशिया कप 2022 सीजन में लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। वही मैच में ओपनिंग आई केएल राहुल विलन बन गए हैं। केएल राहुल की इस धीमी पारी को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं। यूजर्स ने केएल राहुल को ट्रोल करते हुए लिखा कि यह टी20 मैच है, टेस्ट नहीं। एक अन्य यूजर ने लिखा, केएल राहुल स्वार्थी खिलाड़ी हैं। जीएसटी कलेक्शन में उछाल का सिलसिला अगस्त महीने में भी बरकरार रहा। अगस्त 2022 के महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन साल दर साल 28% उछला है। आंकड़ों के अनुसार अगस्त का जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रहा, जिसमें सीजीएसटी 24,710 करोड़, एमजीएसटी 30,951 करोड़, आईजीएसटी 77,742 करोड़ और उपकर है। आपको बता दें कि अगस्त 2022 के महीने के लिए राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने में 1,12,020 करोड़ के जीएसटी राजस्व से 28% अधिक है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरएसएस में कई अच्छे लोग बताए जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट किया कि 2003 में भी ममता ने आरएसएस को देशभक्त कहा था, बदले में आरएसएस ने उन्हें दुर्गा कहा था। आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहता है, इसका इतिहास मुस्लिम विरोधी घृणा अपराध से भरा है। उन्होंने गुजरात नरसंहार के पर सांसद में भाजपा सरकार का बचाव किया था। आशा है कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और निरंतरता के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे। आज के बाद आम जनता की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इसी में सितंबर से नए बदलाव में टोल टैक्स भी शामिल है। दरअसल यमुना एक्सप्रेस पर 1 सितंबर से नया टोल टैक्स लागू होगा। नए नियम के अनुसार अब यमुना एक्सप्रेस वे पर 1 सितंबर से 10 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा देना होगा, जबकि कमर्शियल वाहनों को 52 पैसे प्रति किलोमीटर तक ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे के अलावा कई हाईवे पर भी टोल रेट में इजाफा किया गया है।
चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले मनीष तिवारी को अब कांग्रेस से राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा ने जवाब दिया है। तिवारी ने ट्वीट किया, बीजेपी की तरह कांग्रेस मिस्ड कॉल से बनी पार्टी नहीं है। मनीष तिवारी कई सालों से कांग्रेस में है, एक उम्मीदवार को जितवाने के लिए हर कार्यकर्ता मेहनत करता है। मनीष तिवारी धोखेबाज व्यक्ति है जो अपनी पार्टी को नष्ट कर रहे हैं, यह जोर देते हुए कि कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल और प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में गिरावट होने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी आज लगभग 2% की कमजोरी है। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:40 बजे एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 1.96% गिरकर 976.14 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। क्वाइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार खबर लिखे जाने के समय तक बिटकॉइन का प्राइस 1.72% गिरकर 20,40,083 डॉलर पर है। बिटकॉइन पिछले 7 दिनों के अंदर 6.66% गिरा है। सराफा बाजारों में गुरुवार को सोने चांदी के हाजिर भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज चांदी मंगलवार के बंद भाव की तुलना में जहां 2500 रुपए सस्ती मिल रही है, वहीं सोना भी 787 रुपए सस्ता हुआ है। 24 कैरेट सोना 50,401 रुपए पर खुला, जो मंगलवार के बंद रेट से 787 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता है। वहीं चांदी भी 2500 रुपए टूटकर 51,850 रुपए प्रति किलो के रेट पर खुली। कांग्रेस नेता उदित राज ने अन्ना हजारे पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले हजारे को समाजद्रोही, महाधूर्त और बेईमान तक कह डाला है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे समाज सेवी नहीं समाजद्रोही हैं। बीजेपी के कहने पर यूपीए सरकार पर 2G स्पेक्ट्रम व कोयला आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जो गलत साबित हुआ। इस बेईमान इंसान को माफी मांगनी चाहिए। अन्ना हजारे महाधूर्त आदमी है। भारत देश के पहले हिंदू मंदिर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हो रहा है, जिसका जायजा बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया और ट्वीट किया। गणेश चतुर्थी पर अबू धाबी में निर्माणाधिकार @BPAPS हिंदू मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तेजी से प्रगति देखकर खुशी हुई और सभी शामिल लोगों की भक्ति की सराहना की। अबू धाबी में यह परंपरागत हिंदू मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा बनाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत पास किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े हैं। एक वोट डिप्टी स्पीकर का अलग है, यानी उनके कुल 69 वोट हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूरी ने कहा कि 62 विधायकों का अरविंद केजरीवाल सरकार में पूर्ण समर्थन है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। सत्ताधारी आपके पास 62 और भाजपा के पास 8 विधायक हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नुन्नू कुमार, रविशंकर, के सिन्हा, मोहम्मद अतुल्ला, सिद्धार्थ कुमार, अशोक कुमार प्रजापति, भीषम कुमार, सचिन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार किसी युवा को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।